लोग सब सब पे प्रेशर बना रहे हैं, सारा मामला तुम लोग फैमिली पे ही डालने की कोशिश करेंगे। जी, हमें बताया जा रहा है कि फैमिली ने मारा है, फैमिली पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब संदीप तुम ही लोग का साथ है बस, देखो हम अभी तक खड़े हैं, बिल्कुल पिट रहे हैं, अभी डंडे खाए हैं। मैम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी बहन मारी गई है मैम। बिल्कुल, मुझे तो पता है संदीप, ये तो मैं तुम्हारी बहन हूँ यार, कोई पूरा समझ रही हूँ। पर संदीप एक मुझे बात बताओ, अभी तक पिताजी का एक वीडियो आया है, प्रियंका गांधी ने अभी पिताजी का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें पिताजी बोल रहे हैं कि ये जो कल जो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया गया है, ये पूरा हमको सिर्फ हम प्रेशराइज करने के लिए बुलाया गया है। जी, प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने बुलाया था। और वो बोला ऐसा पिताजी ने बोला है, हम बोल नहीं पा रहे थे तो उस टाइम धमकी दे रखी है मैम इन्होंने, तो पापा हमारे में देखी होगी। नहीं मुझे बताओ कि नहीं तो पर सच में बताया तुमको पिताजी ने कि वहाँ धमकी, वहाँ क्या धमकाने के लिए बुलाया था? अभी बताया उन्होंने दोपहर में, कह रहे ऐसे बताया कि घर पर। सुनो संदीप मेरे लिए एक काम कर दो भाई, प्लीज कर दो एक काम, और मैं तुम्हें वादा कर रही हूँ कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे कि इंसाफ नहीं मिला है। तुम ना एक काम करो, पिताजी का ना एक छोटा सा, पिताजी का ऑलरेडी देखो वीडियो बाहर आ ही चुका है, ठीक है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, उस वीडियो को सबने ऑलरेडी उठा दिया है। मेरे को हाथ जोड़ के विनती है संदीप, पिताजी का ना एक छोटा सा वीडियो बना लो जहाँ पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ मुझ पे बहुत प्रेशर था ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कार्यवाही से, और हमको जांच चाहिए क्योंकि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी को हमें देखने भी नहीं दिया, बिना देखे दफनाए दिया। जो भी आप बोल रहे हो ना कि पिताजी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेशर किया है, संदीप प्लीज एक वीडियो बना के मुझे भेज दो। संदीप तुम बैठे हो पिताजी के साथ, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, 5 मिनट लगेगा, एक वीडियो जल्दी से बनाओ और सिर्फ मुझको भेज दो। कब कर पाओगे? ठीक है मैम मैं अभी करवा देता हूँ पापा को। हाँ कुछ भी देखो, उनको डरने की अब ना कोई बात, अब तो देखो संदीप डर के तो अब क्या करना है, हो गया ना, अब तो जो ना इससे तो क्या करेंगे, हमें मुझे मार देंगे कल, तुम्हें मार देंगे परसों, क्या करना भी है अब ऐसे जी के इतने डर में, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खड़े। हाँ बताओ, इन्होंने घर घर में पुलिस लगा दी, एकदम छत पर बैठे हैं कोई। मुझे पता है संदीप, और तुम टेंशन मत लो, ये अभी कर रहे हैं ना ये लोग, हम लोग रात को घुसेंगे, रात को नहीं घुसने देंगे, हम पीछे से घुसेंगे। जी, तुम ना अपना फोन संदीप चार्ज रखना, ठीक है, फोन चार्जिंग ऑन रखना, और अगर कोई कुछ भी तुम्हें लगे कि उल्टा सीधा हो रहा है ना, एक वीडियो बनाने रहो मुझे बस, तुम चाहे वीडियो मत बना पाओ, मुझे मिस कॉल तुम दे देना, मैं कुछ भी करके अंदर पहुंच जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, गांव में घुसने का कोई और तरीका है? हाँ, अभी आप इधर साइड में। देखो दो मुझे रास्ते पता है, एक तो जो मेन जो जहाँ से घुसते हैं, जहाँ पे ये है क्या नाम है, एक चौकी सी है, नहीं मैम पीछे से देखिए आप, एक और कोल्ड स्टोर दिख रहा होगा आपको, कोल्ड स्टोर। हाँ पीछे एक और देखिए, एक कोल्ड स्टोर ये है, और एक चौकी से पीछे की तरफ देखिए, कोल्ड स्टोर वहाँ तक दिख रहा होगा आपको, वहाँ से साइड से कच्चा रास्ता गया है वहाँ पे, ठीक है। मैं ना वहाँ मैं वहीं से कोशिश करती हूँ, रात अभी नहीं आने देंगे ना, कोई बात नहीं, रात को आने, मैं कहीं से भी घुसूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम ना संदीप प्लीज, मैं बोल रही हूँ, सुबह से तुम लोगों को किसी ने कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं बोला। खाना खाओ, ठीक है, खाना खाओ, पिताजी को खाना खिलाओ। संदीप एक मेरे लिए काम कर दो प्लीज, एक वीडियो, और ये ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, मैं चाहूँ तो वो वाला भी यूज कर सकती हूँ, पर एक वीडियो जल्दी से बनवा लो कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, प्रेशर किया है मुझे बोलने के लिए कि संतुष्ट हूँ, जो भी सब पिताजी कह रहे हैं। अब वो ज्यादा बोल भी तो नहीं पा रहे, पता नहीं बोलने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है। मुझे पता है संदीप, इच्छा नहीं हो रहा है मुझको, ये बात पता है, पर आपको आप ऐसा नहीं है कि पहली बार बोलेंगे पिताजी। देखो आपके पिताजी ने कल बोला, फटाफट लीजिएगा उनके सामने, देखिए पिताजी ने कल बोला कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, हमें कैमरा पे बोला, ठीक है, हमने वही चलाया। अब ये वीडियो हमने नहीं डाला, ये वीडियो डाल दिया प्रियंका गांधी ने कि पिताजी कह रहे प्रेशर है, और अब इसको पूरी दुनिया ने ऑलरेडी उठा लिया, ठीक है। तो आप ना मुझको बस एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि पिताजी का एक छोटा सा वीडियो, 2 मिनट का ही सही, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, कि हाँ सीएम का नाम क्या है बता रही हूँ, 1 सेकंड दीजिए, 2 मिनट दीजिए, हेलो। हाँ एक बार ना मुझको एक वीडियो बना के प्लीज बोल रही हूँ संदीप, कर पाओगे? मुझे पता है पिताजी का मन नहीं है, पर प्लीज बोल रही हूँ यार।
जी मैम, देख करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश मतलब इसमें कोशिश की, तुम डरो मत यार, अब और डरने से कोई काम नहीं चलेगा। जब पिताजी ने ये बात बोली है, कल बोली है, वीडियो उनके पास गया प्रियंका गांधी के पास, तो इसका मतलब बोली तो है ना कहीं ये बात, किसी ने तो रिकॉर्ड किया है वीडियो। तो अब वो उसी सेम चीज को हमको बस एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमको बस ये भेज दो, मैं प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं लगे ना बहुत अटेम्प्ट के बाद कि नहीं पिताजी नहीं मान रहे, संदीप पूरी कोशिश करो। हमने देखो, मैं उस दिन तुम्हारे पूरा मैं यहीं खड़े हूँ यार, हम भी डंडे खा रहे हैं, जरा आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है। वरना ये लोग पूरा मामला अभी तुम लोगों पे डाल रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ आपको, पूरा फैमिली पे घुमा रहे हैं अब ये मामला कि भाइयों ने कुछ किया है, मारा है, ठीक है। और मेरे को वीडियो एक भेज दो, माता जी का पिताजी का जो बोल पाए भेज दो। और आप लोग क्या संतुष्ट हो वैसे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि संतुष्ट हो इससे? नहीं मैम, संतुष्ट नहीं है, सीबीआई चाहिए। एक सेकंड दो, काटना नहीं चाहिए, एक मिनट। हेलो संदीप यार, आवाज ही तुम्हारी नहीं आ रही। हेलो, हाँ ठीक है। हेलो संदीप, संदीप हेलो हेलो, हाँ सॉरी, तुम्हारा ना वाली यार, मेरा गाड़ी रुक गया था, सॉरी संदीप। मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आप संतुष्ट हो, आप कार्यवाही से संतुष्ट हो? नहीं मैम, संतुष्ट। और मैम एक चीज और बता था मैं आपको, बताओ कि ये हमारे जो नंबर है ना, मुझे लग रहा है कि उस पर लगवा दिए गए हैं। टैप कर रहे हैं? जी, नंबर को टैप कर रहे हैं जी। संदीप देखो, उसका टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ ना, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, कुछ आएगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे लूंगी। मैं आपसे सिर्फ, आपके साथ तो मैं खड़ी हूँ ना 3 दिन से, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रही हूँ कि संदीप आप संतुष्ट हैं, परिवार संतुष्ट है, पिताजी संतुष्ट है, माता जी संतुष्ट है इस कार्यवाही से? नहीं जी। आप लोग को आगे और इन्वेस्टिगेशन चाहिए? क्या सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि किसी और पुलिस से चाहिए, यूपी पुलिस से भरोसा नहीं? क्या सीबीआई से? सीबीआई से संदीप, सीबीआई से बोल रहे हैं आप? जी। संदीप एक बात और पूछूंगी, अभी आपके पिताजी का ना एक स्टेटमेंट आया था, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ। पिताजी का स्टेटमेंट आया था कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कार्यवाही और मैं योगी आदित्यनाथ जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संतुष्ट हूँ, और उन्होंने अश्योर किया था। योगी आदित्यनाथ जी के साथ हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल की नहीं हुई, और दबाव डालने के लिए बुलाया था? मैम हुई है, उन्होंने क्या करवाया है, एक कागज पे उन्होंने वहाँ पे साइन भी करवाया है, क्या करवाया है इस चीज के बारे में कोई क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं बता पा रहे। पिताजी ने क्या बोला, क्या वहाँ पे दबाव डाला गया उनपे? पता नहीं दबाव डाला गया वहाँ पे, वो क्लियर करके बता नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं आ रहे, वो बता नहीं पा रहे हैं। बट आप लोग वैसे, आप लोग संतुष्ट नहीं है कल जो योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोग को अश्योरेंस दिया है, आपको भरोसा है कि नहीं है? मैम आप क्या भरोसा हो, संतुष्ट है बिल्कुल भी नहीं, जब हमारी बहन ने एकदम पेट्रोल से जला दी हुई, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। ठीक है संदीप, तो आप लोग बोल रहे हैं आगे इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमको भरोसा नहीं है चीफ मिनिस्टर की अश्योरेंस पे। पिताजी एक बार संदीप मेरे पिताजी से बात करवा पाएंगे? अगर पिताजी से बात नहीं करवा पाए, क्या आप बता पाएंगे कि पिताजी ने, क्योंकि पिताजी ने कल हमको बोला कैमरा के सामने कि संतुष्ट हूँ, आज एक स्टेटमेंट दिया, तो क्या उन आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है क्या परिवार पे? संदीप मैम अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, पर ये पापा तो दबाव कल ही बनाया गया, उन्होंने जब आपको क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। हेलो, हाँ जी आप बोलो, आप बोलो। हेलो, हाँ बोलो संदीप, बोलो। हेलो, आ रही मैम, आ रही है संदीप, बोलो मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना, बोल। हाँ जी दे रहा है, बोलो। हाँ क्या हुआ मैम? मैं कह रही हूँ कि क्या परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है क्या संदीप? मुझसे आप खुल के, मैं आपके साथ पूरी रात खड़ी थी उस दिन ना संदीप, अभी भी खड़ी हूँ और तब तक नहीं जाऊंगी, आपको मैंने बोला मैं आपकी बहन की तरह हूँ, तो मेरे को मानो बहन अपना, और मेरे को खुल के बात बताओ, डरना बिल्कुल नहीं है जी। तो दबाव बना रहा है क्या संदीप? आज हमको मीडिया को घुसने नहीं दिया, आप लोगों को घर पे पुलिस है क्या? दबाव ही है क्योंकि आप मीडिया हमारी नहीं है, और हमारे साथ आगे कुछ दबाव बनाए तो ये मीडिया तक शेयर ना हो पाए ये चीज। नहीं पर मैं बोल रही हूँ कि अभी कोई दबाव बनाया जा रहा है आप पे या पिताजी पे, कल कोई दबाव डाला गया?
कल यही दवा तो डाला गया है सारा कुछ, इन्होंने तो करवाया है। अच्छा, तभी उसी दबाव के चलते पिताजी ने ये स्टेटमेंट दिया आज। जी, संदीप अभी घर पुलिस है क्या? जी मैम, पुलिस है चारों तरफ, है छत पर, छत पर भी है मैम, छत पर बैठी हुई है पुलिस, छत पे भी बैठी हुई है। जी, एसआईटी की टीम चली गई? एसआईटी चली गई, वो दोपहर में चलेगी। एसआईटी की टीम ने आप लोगों से, उनका भी क्या कुछ दबाव था कि वो लोग ठीक से सवाल जवाब कर रहे थे? नहीं, वो लोग तो ठीक ठाक पूछ रहे थे, सवाल जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है संदीप। संदीप एक और छोटी सी बात पूछ सकती हूँ आपसे? हेलो, हाँ संदीप, एक आखिरी मैं चीज तुमसे क्लियर करूंगी, और क्योंकि तुम्हारे को तो मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ, तुम भी मुझे तो भरोसा एक है, ठीक है संदीप? अभी ना एक ना रिपोर्ट आई है, और ये आप अपने तक ही रखिएगा ये बात, ठीक है? एक FSL की रिपोर्ट बोलते हैं, फोरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में ना संदीप तब आ जाता है, उस रिपोर्ट में ना कहीं ना रेप का ना आया नहीं है कोई डिटेल। एक अलीगढ़ वाले FSL रिपोर्ट में नहीं आया, सफदरजंग की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें भी रेप की कोई बात नहीं है। आपकी बहन बोल के गई है कि ना मेरे साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि क्यों ऐसे रिपोर्ट में क्यों नहीं आ पा, क्यों मना कर रहे हैं? बहन ने बताया था कि हुआ है। जी जी, और सारे बिल्कुल वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। जी जी संदीप, हमको ना एक एक छोटा सा अभी ना वीडियो मिला मेरे को, चांदपा थाना है ना, चांदपा थाना। हाँ जी संदीप, थोड़ा दूर आओ, बच्चा रो रहा था। ये जो चांदपा थाना है, यहाँ की वीडियो है संदीप, और एक जो ये हॉस्पिटल है ना, जो सरकारी अस्पताल है आप लोग के पास, जहाँ लेके गए थे हमको, वहाँ की वीडियो है। वहाँ ना लड़की बात, जो आपकी बहन थी वो बात कर रही है, और बोल रही है कि मेरे साथ मेरे को गला घोट के मारने की कोशिश की गई। अच्छा, हाँ आप तो थे ही साथ में, आप तो अंदर पुलिस स्टेशन में थे। आपने मुझे जब बताया था ना, जब माताजी ने भी मुझे बताया था कि लड़की बेहोश थी, तो ये जो वीडियो आया है ये कहाँ का, फिर कैसे, मतलब? अच्छा, मतलब कहाँ पे ये वीडियो आया आपके पास? हाँ, मैं आपको भी भेजती हूँ। तो मैम, ये मेरी बड़ी वाली बहन है, उनको नहीं पता, वो घर में थी। नहीं, बड़ी वाली बहन का नहीं है संदीप, तो, मनीषा तो, का वीडियो है, लेटी अच्छा, हुई है मनीषा अस्पताल में भी और चांदपा थाने के बाहर भी, और वो सिर्फ बोल रही है कि मेरे साथ गला दबाने के लिए मुझे संदीप जिसका अक्यूज है, जो FIR में जिसका नाम है, उसने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की। तो क्या मतलब, रेप की कोई बात माता जी ने या बहन ने आपकी क्यों नहीं बताई पहले? बिल्कुल कुछ शर्म की वजह से नहीं बताया हुआ या कुछ भी हो सकता है इसमें। जी जी नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं भी लड़की हूँ, मैं पूरा समझती हूँ। जी जी हाँ, ये शर्म के लिए नहीं बताया। संदीप, एक बात ये छोटी सी है कि यार, आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि बेहोश थी बहन, बोलने की हालत में नहीं थी, याद है? मैंने आपसे सफदरजंग में भी पूछा था। हाँ, तो बहन तो पर उस दिन आपके पूरा मतलब बाइट दी है, बोल रही थी उस दिन। हाँ मैम, बोल रही थी, और वो बता रहे थे, मतलब पानी वानी डाला था, वो मतलब होश में आ गई थी उस टाइम। अच्छा, तो तब ये थोड़ी सी वीडियो बनाए थे, उसके बाद फिर वहाँ जाके फिर दोबारा बताते हैं बेहोश हो गई थी उस टाइम पे, नहीं था क्योंकि मैं इन्होंने। तो संदीप, एक बात बताओ, मुझे पता है संदीप कि अभी ना आपके लिए सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, पर आप और हम लोग सब लोग संदीप, बहुत ये लंबी लड़ाई है, और अब डरना नहीं, ठीक है? बिल्कुल मन पे पत्थर रखो, मन को मजबूत करो, और सब एकदम खड़े रहो, हम यही हैं, मैं यही हूँ जब तक नहीं मिला मिलेगा इंसान। मुझे एक चीज बता दो संदीप, कि बहन ने पहले दिन पे 4 लड़कों का नाम क्यों नहीं ले लिया? सिर्फ संदीप का नाम क्यों लिया, 4 लड़कों का नाम क्यों नहीं लिया पहले दिन? या तो मतलब 4 लोग का नाम नहीं लिया? नहीं लिया है ना 4 लोग का नाम, सिर्फ संदीप का नाम लिया है। अच्छा मैम, इसमें क्या नाम है, या तो मेरे को लगता है बहन ने कुछ छुपाया होगा, इसमें पूरा छुपाया होगा, किसी को पता नहीं चले, या
अच्छा। वो गलत फसाए अच्छा। तो मम्मी ने जब खंड खंड करके पूछा बताया तो अच्छा। क्या क्या कैसे करा तो जब सारा कुछ अब इतनी जल्दी तो नहीं बता सकती अच्छा। हाँ तो मम्मी ने पूछा है तब ऐसा मतलब हम लोग जब चले गए थे तो मम्मी ने जब हमने किया तब पूछा है तो बता तो क्या क्या करा तो उन्होंने सारा कुछ बताया है जी। तब मम्मी ने हमें बताया कि ऐसे की बात है तब ये रिपोर्ट आगे और बढ़वाई इसमें जी जी ठीक है। संदीप मैं यही हूँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अंदर आने की। कुछ भी होता है आप मेरे को एक छोटा सा कॉल कर दीजिएगा ठीक है। ठीक है अब बिल्कुल घबराइएगा मत, खाना खिलाइए माता पिता को अच्छे से, हम यही खड़े हैं, घबराइएगा नहीं ठीक है। बस मुझे एक अगर हो सके तो पिताजी पे किस, आपने जो बोला ना कि हम पे दबाव बना रहे हैं, पिताजी ने मुझे बताया कि कल भी दबाव बनाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहाने पे, तो इसका हो सके तो एक छोटा सा वीडियो प्लीज मुझे भेज दो संदीप। ठीक है यही मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे हो क्या संदीप? व्हाट्सएप पे ठीक है संदीप प्लीज भेज दो भाई। ठीक है ठीक है संदीप ख्याल रखो मैं यही हूँ ठीक है। ठीक है ओके 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 जूम पे आ जाओ, वो कुछ नहीं करेगा एसडीएम। हाँ वो बरखा दत्ता इंडिया की टॉप जर्नलिस्ट है, वो बात करेगी जो एम्स में आपका इंटरव्यू की थी ना।